निकल गया, आवाज आ गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड आज है क्या है यार, डेट 15। मेरे 12:30 पे गुड मॉर्निंग होती है। हर चीज़ में दिक्कत है, हर चीज़ में, कि मेरी गुड मॉर्निंग कब हो रही है, मेरी गुड नाइट कब हो रही है, सब चीज़ में दिक्कत है इनको। तो गाइज, आज मेरे फेवरेट फिर से बने हैं राजमा चावल, क्योंकि मैंने कल रात को पता क्या हुआ, मम्मी ने मुझे बोला भिगाने के लिए, मैं भिगाना ही भूल गई। मैं जब सुबह उठी तो राजमा ऑलरेडी बन चुका था, मतलब कैसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। अब मम्मी देखो मुझे दे रही है राजमा चावल खाने के लिए, क्या तो आई विल हैव राजमा राइस एंड आई विल शो कि वो कैसे बने हैं। सो गाइज, ये जो बटर है, ये कौन सा बटर है, लिखा है उस पे गार्लिक हर्ब्स, हर्ब्स, यू कैन से हर्ब्स, हर्ब्स, ये है गार्लिक हर्ब्स। ये मैंने पहली बार देखा है, मतलब आज तो बहुत टाइम से है, बट मैंने देखा पहली बार है। मैंने खाया भी था, बट मुझे पता ही नहीं था मैंने खाया, मम्मी ने सुबह याद दिलाया, मम्मी ने सुबह याद दिलाया कि हम लोगों ने ये सब खा रखा है। बट चलो कोई बात नहीं, कल जो हमने शॉपिंग किया है हमने उसमें इसको खरीद लिया। अरे नाक में आ गई, दूर जाओ इधर से, की बाय बेबी। इसमें चटनी है, ग्रीन वाली और चिली सॉस है, और यहाँ पे बर्गर वाली मेयोनीज है, उसके ऊपर चीज स्लाइस है, उसके ऊपर हर्ब्स है, उसके ऊपर चिली फ्लेक्स है, उसमें जाएगा ये वाला बटर। ओहो, गार्लिक ब्रेड वाली वो आ रही है फ्रेग्रेंस एकदम, जैसे डोमिनोज में गार्लिक ब्रेड मिलती है वैसी फ्रेग्रेंस आ रही है एकदम। बस इतना सही और क्या, भर दूं। एंड गाइस, जो चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दें। यस, शक्ल तो देख लो बिना नहाए धोए की। अब हम लगा रहे हैं मोर बटर, लालच बुरी बला है। तो चलो अब मिलते हैं बनने के बाद सीधा। सो गाइस, ये बन गए हैं हमारे सैंडविच और अब खा के मैडम बताएंगी कि इन्होंने कैसे बनाए हैं। अच्छा बनाया होगा मैंने तो। बोल के बताओ, रिएक्शंस तो दे ही रहे हो। नो वर्ड्स, मतलब बेकार बने हैं, कोई वर्ड ही नहीं। अच्छा, इसको खा के करते हैं एंजॉय। बाय बाय। कम तो मैं आपको ऊपर रोड दिखाती हूं कि वो कहां तक उसकी प्रोग्रेस पहुंची है। कम लाइट्स, कैमरास, एक्शंस। अब ठीक है, मैं सर फूट जाता। आप जो अभी जो पीछे हम दोनों कोरोना होता फिर, और अभी जो हमारे मरने का कारण आप होते फिर, और अभी जो यहाँ पे बैठ कर नीचे कूदने की बातें कर रहे थे, मैं वो क्या था? बोल रही थी कि मैं बैठने बैठ के देख रहा था, मैं नीचे ज़्यादा क्या होगा, मेरा शरीर तो फूटेगा। हाँ बस, कुछ हाथ पैर टूटेंगे, कुछ हड्डियाँ चकनाचूर हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। अरे यार, वो सुना आपने, वो उन्होंने किसानों ने हॉस्पिटल खोला, डेंटल हॉस्पिटल, मैंने ही आपको वीडियो शेयर की थी। अच्छा, कितना सही कर रहे हैं यार वो काम। हाँ, उन्होंने गाजियाबाद में नया हॉस्पिटल खोला, डेंटल हॉस्पिटल नहीं है वो, कोविड सेंटर है। आई एम सेइंग कि देयर आर सम पीपल हु आर लाइक बिजी इन बिल्डिंग देयर एम्पायर, अ 3000 करोड़, 1300 करोड़ एम्पायर, उनको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, किसान बेचारे वहां बैठे हैं अपने बॉर्डरों पे, जब उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा ना, देन ही विल थिंक अबाउट दिस शिट। हे एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक चोकोलावा केक। इनका चोकोलावा केक खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं उसका घर पे बना देती हूँ आपके लिए ही कह रही हूँ सर। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रख लिए हैं, सो आई विल शो यू वन बाय वन एंड यू विल बी विद मी इन द रेसिपी एज वेल। चलो, सो गाइस, हियर आई हैव टेकन, ये चॉकलेट है मूज वाली, तो मैंने इसके 4 पीस लिए हैं बिकॉज मेरे को 2 केक बनाने हैं। तो हियर आई हैव टेकन ओरियो एंड ये पूरा चॉकलेट वाला ही है,
मैंने व्हाइट वाला क्रीम वाला नहीं लिया क्योंकि मेरे को पूरा चॉकलेट का फ्लेवर चाहिए, वनीला फ्लेवर नहीं चाहिए। एंड हियर आई हैव टेकन हाइड एंड सीक एज वेल, थोड़ा सा मैं हाइड एंड सीक डाल दूंगी जिससे चॉको चिप्स का फ्लेवर भी आए, राइट। सो हियर इट इज बटर, उसको कोट करने के लिए जिससे वो उस पर स्टिक ना हो। एंड हियर आई हैव टेकन हाफ ग्लास ऑफ मिल्क जिससे मुझे बैटर बनाने में ईजी रहेगा और बैटर बहुत सॉफ्ट बनेगा इससे। एंड हेयर आई हैव टुक बेकिंग पाउडर एंड दिस इज हाफ टेबल स्पून, सो इतना इनफ होता है इतना बैटर प्रिपेयर करने के लिए। सो लेट स्टार्ट। सो गाइज यहाँ पर ये ओरियो का मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया है, एक और बार मैंने ग्राइंड कर दिया था। सो नाउ आई विल बी एडिंग दिस मिल्क, इसके बाद एक पेस्ट बन जाएगा, देन आई विल शो यू दैट। सो गाइज हेयर वॉट इट लुक्स लाइक, मैंने इसको दूध डाल के जब ग्राइंड किया था मतलब उसका पेस्ट बनाया था तो ऐसा दिख रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कोई लम्स नहीं फॉर्म होने चाहिए इसमें अंदर। सो नाउ आई विल ग्रीस दिस बोल्स एंड उसके बाद मैं इसको अवन पे नहीं हीट करने वाली, मैं इसको गैस पे बनाऊंगी, आई शो यू दैट आल्सो। तो मैंने इसके अंदर एक प्लेट रख दी जिससे वो हीट क्रॉस होगी नीचे से, जो एकदम हमें डायरेक्ट हीट नहीं देनी है इसको, थोड़ा हीट क्रॉस कर। तो गाइस इसको ऐसे कोट करना है कि कहीं से भी वो ऐसा ना रहे कि जहाँ पे चिपक जाए बैटर। एंड यहाँ पर ये फ्लेम मैंने लो रखी हुई है जिससे वो ज़्यादा ओवर हीट ना हो जाए। तो एक बोल मैंने ऑलरेडी कोट करके रखी हुई है, यू कैन सी। नाउ आई विल पोर द बैटर हियर। जो उसमें बच जाएगा वो खा सकते हैं। तो मैंने ये इवनली सेट कर दिया, बीच में चॉकलेट के 2 पीस डालने हैं। तो नाउ आई विल पुट दैट इनसाइड। तो अभी इसको हमें रखना है एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे अंदर, ठीक है। सो जल्दी से बन जाता है फिर वी विल शो यू कैसा लगता है लास्ट में। तो गाइज आई एम सो हैप्पी टू शेयर विद यू दैट मैंने कल एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है, जैसे आपने मेरे लास्ट ब्लॉग्स को इतना प्यार दिया है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो उसको एंड मैं उसको ऊपर आई बटन में प्लेस कर दूंगी, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगी, अगर आपको वहाँ ना मिले तो नीचे आप जाके देख सकते हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दैट ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज इट्स डन, नाउ वी आर ट्राइंग टू फ्लिप इट आउट, तो देखते हैं वो पास होता है या फेल। कितना सही लग रहा है, एक और प्लेट में। मास्टर शेफ हूं ना यार, आ जाओ चलो सेकंड गो। रेडी? यस सर। हो गया आवाज आ जाती एकदम से, पूरा ना महसूस हो जाता है। अच्छा अभी हाथ जला लेते हैं। वो तो गाइस हमारा मिशन तो सक्सेसफुल हो गया है, अब मैं इसकी सुंदर सी फोटो खींच लूं। वीडियो को एंड तक देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज सपोर्ट मी।